प्रदेश समाचार न्यूज चैनल से मैं राधा वासने आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं बिदरका गांव में प्रधान जी के साथ उपस्थित हूँ। आज प्रधान जी नमस्कार। आज हम आपसे समाधान के विकास के बारे में बात करेंगे। प्रधान जी पहले अपना परिचय दीजिए। जी, मैं वर्तमान प्रधान संतोष कुमार ग्राम पंचायत बिदरका से हूँ। तो प्रधान जी, आपको जनता से क्या समर्थन, क्या सपोर्ट मिला? जनता से मुझे पूरा समर्थन मिला है, बहुत अच्छे भारी बहुमत से जीता था। प्रधान जी, क्या गांव के प्रधान हो आप? जी, ग्राम पंचायत बिदरका एक ही लगता है बस। अच्छा, तो इस गांव की जनसंख्या कितनी है? 1296। तो कितने महिलाएं, कितने पुरुष हैं? ये लगभग लगभग समझो 700 और 600 के लगभग। अच्छा, मतलब महिला पुरुष। हाँ, पुरुष 700 और महिलाएं 600। अच्छा, तो प्रधान जी फिर बच्चों की जनसंख्या कितनी है? बच्चों की जनसंख्या हुई लगभग लगभग जिनके वोट लिस्ट में नाम नहीं है 1200 के तकरीबन। अच्छा, टोटल आबादी 2500 के लगभग है। तो प्रधान जी पंचायत घर में क्या कार्य चल रहा है? पंचायत घर अभी अभी मतलब गांव के लिए मंजूर हुआ है, अब कार्य चालू होने वाला है। तो अभी मतलब पहले पंचायत घर नहीं था? अच्छा, पहले पंचायत घर इस गांव में नहीं था, उसका बजट पास हो गया है। तो प्रधान जी कुछ प्राइमरी मतलब स्कूल कितने तक है यहाँ? स्कूल 5वीं क्लास तक है। अच्छा, तो जो मिड डे मील का खाना बनता है तो वो कहाँ बनता है? वो स्कूल में ही बनता है लेकिन राशन हमारे यहाँ से जाता है और कभी कभी हम भी चेक करने जाते हैं। अच्छा, आपकी देख रेख में है जी, या हमारी देख रेख में चल रहा है। नहीं? अच्छा, तो प्रधान जी कुछ स्कूल में कुछ कार्य इंटरलॉक वगैरह हुई है ना अभी? जी, अच्छा, इंटरलॉक कंप्लीट हो गई। तो क्या हुआ है इंटरलॉक इंटरलॉक टाइल्स लगी और वैसी भी टाइल लगी है गांव मतलब स्कूल में। में? स्कूल कंप्लीट है कायाकल्प से और बच्चों के लिए झूला वगैरह भी लगा दिए गए हैं। अच्छा, तो प्रधान जी कितने कमरे हैं स्कूल में? स्कूल में 4 कमरे 1 बरामदा है। एक बरामदा। तो बच्चे कितने हैं? बच्चे लगभग 80 या 90 के तकरीबन है। 80-90 बच्चे हैं स्कूल में। जी, तो प्रधान जी वहाँ शौचालय की या पानी की व्यवस्था कैसी है? वहाँ समरसेबल लगी हुई है और हैंडपम्प भी लगाया हुआ है स्कूल में और शौचालय भी बने हुए हैं। सब कंप्लीट जी, है? कंप्लीट है, कायाकल्प से पूरा कंप्लीट है। फिर तो प्रधान जी मनरेगा में क्या कार्य चल रहा है? मनरेगा में कार्य इस समय चक्रोड नालियाँ यही चल रहा है। तो कितने मजदूर काम कर रहे हैं? करीब करीब 80 मजदूर काम कर रहे हैं। 80 मजदूर काम कर रहे हैं। जी, फिलहाल क्या चल रहा है वहाँ पर? मनरेगा में चक्रोड पड़ रहे हैं। अच्छा, तो प्रधान जी ये डेंगू मलेरिया जो फैल रहा है, आप जनता को क्या राय दे रहे हो? जी, मैंने ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।